से शुरू करती हूँ। और ये कुकिंग स्पून, ये कितना क्यूट सा है। ये सारे तो इतनी जल्दी खत्म हो गए, तो तवा, इसमें हम रोटी बनाएंगे। ये है एक प्लेट और थाली का सेट, ये है एक प्रेशर कुकर मैं खाना बनाने के लिए, और ये है एल्युमिनियम का एक बाउल। फ्रेंड्स ये मत समझना कि ये रियल का एक सिलेंडर है, तो मेरा फेवरेट टाइप का किचन सेट है। पिकल भी रख सकते हैं, अचार, मीठा तीखा अचार, इसीलिए। सो फ्रेंड्स आप ये किचन स्टैंड का अनबॉक्सिंग वीडियो देखे हो ना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद परी। मैं हूँ परी, जो आपको पता ही होगा मेरा नाम ही तो परी है। I'm kidding. मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि परी तुम्हारे पास तो इतने सारे किचन सेट है, तो फिर वो सारे किचन सेट को एक वीडियो में दिखाओ ना। तो फिर आज मैं आपको मेरे सारे डिफरेंट टाइप्स के किचन सेट दिखाऊंगी। तो आप रेडी हो? Are you ready? Yeah! I'm ready. जब मैं पहले से ही हूँ। So friends, let's start. अरे इतने सारे टाइप्स के हैं, किससे शुरू करूँ? स्टील से शुरू करती हूँ, बहुत शाइनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक टिफिन बॉक्स जो मेरे मामा भी ऐसे वाला एक छोटा सा लेते हैं। जब भी मैं चंपा बनती थी ना, ऐसे वाले चीज़ें मैं यूज़ करती थी। और ये है एक मटका, इसको हम उड़िया में गरिया बोलते हैं, गरिया। और ये हाँ, वो जो मिल्क मैन है ना, इसमें अब हम लोग मिल्क रखते हैं, मिल्क। और ये तो आपको पता ही होगा देखकर कि ये एक फिल्टर है, इससे पानी लेते हैं हम। ओ छोटू छोटू टैप। और ये है वो जो इडली बनाते हैं ना हम, उसके लिए ये इडली बनाने के लिए, इसमें एक। और ये ग्लास पीने के लिए, फ्रेश वाटर। ये प्लेट, ये है एक थाली प्लेट, और ये उसके एक बाउल, इसमें रोटी, इसमें सब्जी। हाँ, और ये इसको हम लोग उड़िया में चिमठा बोलते हैं, लेकिन इसको जब भी कुछ चीज़ गर्म होता है उसको पकड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। और ये कुकिंग स्पून, ये कितना क्यूट सा है। हाँ, छोटे छोटे हैं तो फिर क्यूट तो होंगे। और ये भी छोटू सा एक कुकिंग स्पून है। और हाँ, ये बड़ा सा, ये है एक राइस बनाने के लिए जो यूज़ करता है ना, ये वो वाला स्पून है। ये है एक प्रेशर कुकर, इससे सीटी तो नहीं बचता, लेकिन इस पर असली से ना दाल या फिर कुछ भी बन जाता है इजीली। मैं इसके साथ ना रियल कुकिंग भी करती हूँ। और ये इसके अंदर हम लोग सब्जी रखेंगे, और इसके अंदर रोटी, अरे रोटी तो है नहीं, रखेंगे ना। और ये है प्लेट और कप चाय पीने के लिए, मैं चाय पी रही हूँ अभी, रॉयल टी, असली में थोड़ी ना, ये तो खाली है। चलो अभी सारे तो इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपने स्टील वाले किचन सेट तो दिखा दी, अभी चलो मिट्टी वाला देखते हैं। कितने सारे हैं। ये जो मिट्टी वाला बर्तन है ना, ये जब भी मैं चंपा बनती हूँ ना, इसको भी मैं यूज करती हूँ। इस पे हम लोग राइस बनाते हैं, और कैप तो इसका है नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे एक प्लेट डाल देते हैं। और ये कढ़ाई, हाँ सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई तो चाहिए ना, सब्जी बना रही हूँ मैं। और ये भी एक बड़ा बाउल है, इस पे भी हम राइस दाल कुछ भी बना सकते हैं। और ये हाँ, वो अगर कुछ भी मसाला वो सब चाहिए ना, तो फिर ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। इसको हम लोग ना सिलपा बोलते हैं, ऐसे करके ग्राइंडिंग करते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे करते हैं और अभी भी। और ये हाँ, कितना क्यूट सा है। ये जो मिट्टी का बर्तन है ना, इसका ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है कि मम्मी ने कैसे बनाए थे। आई लव माय मम्मी। असली में अगर खाना बनाएंगे तो फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमने गरम नहीं किया है, ये बस सुखाया गया है। और हाँ, पैन तवा, इसमें हम रोटी बनाएंगे। और ये है एक ग्लास पानी पीने के लिए। और हाँ, ये भी मेरी मम्मी ने बनाए थे, कितना क्यूट सा चूल्हा है। और ये हमने खरीदे हैं ये चूल्हा।
और ये एक मटका है, इसमें मैं पानी लूंगी ऐसे। चलो पानी लेने कुआं से। और मम्मी ने ना मेरे लिए एक कुआं भी बनाए थे जो अभी मैं यहाँ लाई नहीं, क्योंकि वो थोड़ी ना एक बर्तन है। और ये, हाँ ये भी राइस बनाने के लिए है, लेकिन ये असली में नहीं बना सकता, लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मम्मी बनाया है। और ये स्पून खाना खाने के लिए। अरे प्लेट कहाँ गया? ये रहा। आम नाम नाम यम्मी यम्मी। ये है एक प्लेट और थाली का सेट, इसमें मैं दाल और इसमें मैं सब्जी, रोटी और पानी। ये भी मम्मी ने बनाया है। और ये ग्लास भी मुझे बहुत क्यूट लगता है। और फ्रेंड्स इसको मैं, मुझे गांव में बहुत गर्मी लगती है ना, तो फिर ये हवा खाने के लिए। हाँ असली में कितना अच्छा हवा आ रहा है। और इसको हम लोग ना धुकना बोलते हैं। और ये इसको मैं देती हूँ वो बैकयार्ड में फ्लावर सब्जी वो सब लेने। ये ना वो जो बम्बू ट्री होता है ना, उससे बनता है बैम्बूस। इट इज मेड बाय बैम्बूस। बैम्बूस। सो फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि मेरे पास एक विट्टी का किचन सेट है, लेकिन उसको मैंने बलांगर में छोड़ दी हूँ, इधर लाई नहीं हूँ, वरना वो टूट जाता क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आपने तो मेरे मिट्टी का बर्तन देख लिए होंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस प्लास्टिक से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स ये जग है जिसमें हम लोग पानी चाय देंगे। और ये जग नहीं है फ्रेंड्स, ये केटल है चाय देने के लिए। और ये गैस है खाना बनाने के लिए। रॉयल टी कप सेट। और ये हॉट केस है ऐसे टाइट करने के लिए। इसके अंदर हम लोग गर्म चीज़ें असली का रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टील का है ऐसे। हाँ और फ्रेंड्स ये है एक प्लास्टिक का बास्केट, इसमें मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी रख सकती हूँ। सो फ्रेंड्स ये है एक प्लास्टिक का ट्रे पिंक कलर का, जिसमें मैं अपने डॉल्स को खिलाती हूँ, ये राइस दाल सब कर। सो फ्रेंड्स ये है एक प्रेशर कुकर, ये असली का नहीं है, मतलब हाँ प्रेशर कुकर तो है लेकिन असली में खाना नहीं बना सकते, इसके अंदर का ऐसा है। ये मेरा ओल्ड, जब मैं छोटी थी ना तब से ये था, ये मेरा ना प्रिटेंड प्ले में यूज होता है। सो फ्रेंड्स ये कढ़ाई है जिसमें हम राइस बनाते हैं, आप जो भी चाहो आप वो बना सकते हो। और फ्रेंड्स ये है एक पैन वो डोसा वो सब बनाने के लिए। ये है वो चॉपिंग बोर्ड और ये है उसका चाकू। और ये वो लस्सी बनाने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। और ये रोटी बनाने के लिए ऐसे, रोटी आ जाओ, ये रहा हो गया। और ये खाना बनाने के लिए एक स्पून है। और ये लाइटर है चकक चकक। और ये भी एक स्पून है खाना बनाने के लिए। और ये पकोड़ा या फिर राइस बनाने के लिए है। और ये वो फ्रूट या फिर वेजिटेबल को पील करने के लिए है। ये ऑमलेट अगर बनाएंगे तो फिर ये उसको मिक्स करने के लिए है। अब फ्रेंड्स हमारा प्लास्टिक वाले तो किचन सेट भी ख़त्म, तो चलिए अब किससे शुरू करें? एल्युमिनियम से। तो फिर ये एल्युमिनियम है। सो इसको मैंने अभी अभी परचेज किया है, मेरी मम्मी ने इसको मतलब रियल कुकिंग के लिए परचेज किया है। और पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि इसमें रियल कुकिंग होता है कि नहीं, फिर हम लोग रियल कुकिंग का वीडियो बनाते हैं। और ये है एल्युमिनियम का एक कढ़ाई। और ये वो बोल मिक्स करने के लिए, जैसे ये टुडुक 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 टुडुक। और ये है एल्युमिनियम का एक बाउल, इसमें हम लोग कुछ बना सकते हैं। और ये है एक फ्लैट बाउल। ये है प्लेट और ये भी एक छोटू सा प्लेट, और इसमें हम लोग राइस या फिर कुछ भी डालेंगे और इधर से उसका पानी वो गिरेगा। और ये है एक डीप बाउल और इसमें हम लोग सब्जी या फिर दाल कुछ भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये एल्युमिनियम किचन सेट के साथ ना मैं बहुत जल्दी एक रियल
कुकिंग वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए उसको मिस मत करना, देखना। आपने वो नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है ना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी किया है ना, तो वह आपको फट से वो मिल जाएगा वो वीडियो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक पीतल का किचन सेट है। यह है पीतल का एक स्टोव, लेकिन फ्रेंड्स ये इसीलिए काला दिख रहा है क्योंकि एक दिन मैं इस पर ना रियल कुकिंग की थी। एक दिन मैं इस पर मैगी बनाई थी और उसका भी एक वीडियो बनाई हूँ मैं, इसीलिए आपने देखा है ना फ्रेंड्स वो वीडियो। अगर नहीं देखे हो ना तो फिर उसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये मत समझना कि ये रियल का एक सिलेंडर है, यह है एक प्ले सिलेंडर, ये खेलने के लिए है। और हाँ फ्रेंड्स, और ये भी है एक गैस स्टोव पीतल का, और ये है वो हिमदस्ता, इस पर हम लोग कोई भी मसाला कूट सकते हैं, आवाज़ बहुत ज़ोर की आती है। सो फ्रेंड्स ये है एक प्रेशर कुकर, इसको भी हम इधर मतलब असली का खाना बना सकते हैं इससे। और ये भी है एक क्यूट सा कढ़ाई, इसको भी हम बना सकते हैं क्यूटी पाई। सो फ्रेंड्स आपको मेरा पीतल वाला किचन सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स चलो मैं आपको अपना वुडन किचन सेट दिखाती हूँ, वो तो मेरा फेवरेट टाइप का किचन सेट है। सो फ्रेंड्स पहले हम लोग इससे शुरू करते हैं, हम लोग वो आटा वो सब बनाते हैं, इस पर हम लोग वो मस्त गेहूँ को डाल देते हैं और ऐसे करके वो गेहूँ को क्रश करते हैं, खुचो 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 गोल गोल। और फ्रेंड्स ये वो हिमदस्ता है, ऐसे ऐसे करते हैं। और ये नमक मसाला चीनी वो सब डालने के लिए, और ये है कप पानी पीने के लिए, और इस पर हम लोग पानी स्टोर करके रखेंगे, और इसमें भी हम लोग स्टोर करके रखेंगे पानी। और ये दोनों एक बाउल है, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, ये वाला, ये दोनों मेरे फेवरेट है, ये थोड़ा कोव जैसा है, ये वाला मेरा फेवरेट है सबसे। और ये है एक डब्बा जिसपे हम लोग चीनी ऑयल कुछ भी रख सकते हैं, पिकल भी रख सकते हैं, अचार मीठा तीखा अचार। और ये सो फ्रेंड्स ये रोटी बेलने का स्टिक है, और ये रोटी बेलने के लिए वो पीढ़ा, इसको हम लोग ना उड़िया में बेलना बाड़ी बोलते हैं, इसको बेलना पीढ़ा। रोटी गोल गोल बन जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखाऊं, एक मैजिक मैजिक। 1 2 3 यह एक स्टील का स्टैंड, इसमें मैं अपना स्टील या फिर कोई भी टाइप का बर्तन रख सकती हूँ ऐसे। ये देखो कितना क्यूट है ये। यह है हमारा किचन सेट का स्टैंड। और हाँ फ्रेंड्स इसमें तो मैं बहुत कम स्टील का बर्तन दिखाई हूँ, लेकिन मेरे पास ना इससे भी और है, क्योंकि ये पूरा टेबल फुल हो गया है इसलिए। सो फ्रेंड्स आप ये किचन स्टैंड का अनबॉक्सिंग वीडियो देखे हो ना, अगर नहीं देखे हो ना तो फिर इसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके इसका वीडियो आप देख सकते हो। ये देखो ये मेरा आईज है, मैं देख रही हूँ सबको आप क्या क्या कर रहे हो, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी क्या कर रहे हो। सो फ्रेंड्स ये जो स्टैंड है ना स्टिकी का, ये मेरा फेवरेट स्टैंड है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसका डिज़ाइन सबसे मुझे पता। सो फ्रेंड्स जब ये आया था ना इसके साथ बहुत सारे स्टील के बर्तन आए थे, इसीलिए तो इसमें कितने सारे हैं। और हाँ फ्रेंड्स इससे ना ये कप भी आया था, इसको ऐसे ऐसे रखा गया था ऐसे, ये देख लीजिए कितना क्यूट है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 हाँ 5 कप्स आए थे, लेकिन इसमें मैं आपको बस 1 ही दिखाई हूँ। और ये जो पीतल का बर्तन देख रहे हो ना, ये भी इसके साथ आया था एक पेटी बॉक्स पे। और हाँ फ्रेंड्स इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बनाई हूँ, देखना ज़रूर। सो फ्रेंड्स आपको मेरे ये जो किचन सेट है ना, इनमें से कौन सा टाइप का किचन सेट अच्छा लगा
कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि कैसे कमेंट करेंगे? वो जो नीचे कम्युनिटी टैब है ना, उस पर आप क्लिक करके मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मुझे तो मेरा सारे किटन्स पसंद है, ये मेरे है ना, तो फिर मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा? सो फ्रेंड्स, मैं ना ये सारे किचन सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। आपको जो भी किचन सेट अच्छा लगेगा, आप उसको क्लिक करके परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ना ये प्लास्टिक का और भी बहुत सारे किचन सेट है, हाँ, लेकिन वो इसमें फिट नहीं हुआ। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और एक वीडियो में ना अपने सारे दिखाऊंगी प्लास्टिक वाले किचन सेट। ओके, और एक वीडियो में वो पार्ट टू होगा। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन। बाय फ्रेंड्स, सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। Keep watching. Let's end the video. Bye. Shwee. Yeah.